हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम बनाते हैं मिल्क पाउडर से मीठा। मीठे घर पर ही बनाना है तो हम इसको बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे हमें कुछ मीठा भी खाना है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने गैस पे रख दिया है पैन, पैन में डाल दिया है मैंने घी, और घी डालने के बाद हल्का सा गर्म होते ही हमने डाल दिया है इसमें इलायची। इलायची मैंने 2 इलायची डाली है और मैंने डाल दिया 1 गिलास दूध। इसको हल्का सा चलाएँगे, इसको उबाल आने तक चलाते हैं। उबाल आते ही देखिए आज दूध में हमारा आ गया उबाल। उबाल को थोड़ा सा फिर से हम इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है। हल्का सा चलाते जाइएगा, क्या है हमारा मिल्क है ना जो दूध, वो इसमें चिपकना नहीं चाहिए। इसको जो गैस है ना, इसको लो फ्लेम पर ही रखिएगा। जब हम बना ये पेड़ा बना रहे हैं मीठा कुछ में, तो इसको हल्का सा चलाते जाइएगा। और जिसके लिए मैंने देखिए मिल्क पाउडर में मैंने ले लिया, नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है। और आप जितने भी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। देखिए मैंने 1 कटोरी मैंने ले लिया मिल्क पाउडर, और हम जो बॉइल किया हुआ कर लिया था हमने मिल्क, उसमें डाल देंगे। इस तरह से देखिए हम चलाते रहिएगा, क्या है इसमें लम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और हमें इसको फास्टली चलाना है। और क्या है कि इसको चिपकना नहीं चाहिए। इस तरह से हम चलाते रहेंगे, हमें इस तरह से इसको चलाते रहना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। और हमें इसको देखिए, हम इसको चलाते हुए इसका बिल्कुल गाढ़ापन आ गया है और हमारे जो पेड़े हैं ना बनने के लिए तैयार है। और देखिए इसको मैं हम इस स्टेज पे डाल देंगे शक्कर। शक्कर डालते ही हमारे जो पाउडर मिल्क पाउडर का जो पेस्ट बना कर लिया था हमने, उसको थोड़ा सा वो शक्कर जाते ही इसमें थोड़ा पिघल जाएगा। इसमें लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया दूध। दूध डालने के बाद इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे। क्या है कि हमारे शक्कर है थोड़ा सा मिठास आ जाए इसमें। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे इसको, और चलाते हुए इसको और गाढ़ा कर लेंगे। क्या है हमारा पेड़ा है ना बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, जिससे कि और हम इस तरह से हम इसको खूब सारा मिक्स करेंगे और अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। और देखिए हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं गरीब बुरादा। आप यहाँ पे जो गरीब बुरादा डालेंगे ना बहुत ही खस्ता वाली, और यहाँ पर हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। क्या है कि हमारा ये पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है हमारे पेड़ा बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए। और हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सभी पेस्ट को। और देखिए इस तरह से हमारा गाढ़ा होना चाहिए, तभी जाके हमारे पेड़ा मिठाई जो भी हम बना रहे हैं तो तभी जाके हमारा एकदम तरह से बन जाता है। बनना हमारा जो मतलब कि ये हम पेस्ट बनाते हैं ना मिल्क, आप हम इसको सभी को प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रखेंगे, तभी जाके हम इसको पेड़ा बनाएंगे। देखिए हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए, जब तक हमारा ये ठंडा नहीं हो जाता। और देखिए हमारा ये सब पेस्ट हो गया है ठंडा, और इसको थोड़ा सा हम हल्के हाथों से इस तरह से हम एक रोटी बेल के लिए जो आटा डो लगाते हैं उस तरह से हमने बेल लिया, थोड़ा सा डो टाइप में इसको कर लिया है। और इसके बाद हम अब देंगे पेड़े को अपना सेव। और देखिए आप इसके गोल टाइप में इसको सेव दे दीजिए, और इसमें मैंने बीच में लगा दी है किशमिश, और जिससे कि बहुत ही अच्छा मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और पेड़ा भी खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसी तरह हम वन बाय वन पेड़े अपने तैयार कर लेते हैं हल्के हाथों से। आप इस तरह से आप पूरे सभी पेड़ों को बना लीजिएगा। चलिए कुछ मीठा तैयार है तो फिर 2 लाइन तो बनती है ना। सफलता का रास्ता खुद को पहचानने से शुरू होता है। क्या सफलता का जो रास्ता है ना वो खुद को पहचानने से शुरू होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिश के साथ। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।